इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोडिंग सेमीफाइनल। मेरा हमेशा मनोज मानना है कि टीम वो होनी चाहिए जो डिजर्व करे। चौथी टीम हैज टू बी पाकिस्तान। भाई 402 रन चेज करने पे कोई दूर दूर तक सोच नहीं रहा था। ये जीत ना बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पाकिस्तान को डेंजरस बनाती है। न्यूजीलैंड एक रन से भी जीता अगर उस मुकाबले में तो पाकिस्तान को 131 रन से। सिंपल ये है कि पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान एक मैच हार जाए तो 200% पाकिस्तान ने इंग्लैंड को चप्पू लगा देना लास्ट मैच में। 200% इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है। कुदरत का खेल होता है और एक जो यहाँ पर फखर जमान ने खेल दिखाया पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट गेम में, जो पारी खेल दिए विक्रांत सर, अब क्या लग रहा है कि यहाँ मेरा हमेशा मनोज मानना है कि टीम वो होनी चाहिए जो डिजर्व करे। एंड ठीक है, पाकिस्तान ने इससे पहले नेदरलैंड्स को हराया था, श्रीलंका को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, बट ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड को हराने की नहीं है यार। आई थिंक दैट रिजॉल्व भाई 402 रन चेज करने पे कोई दूर दूर तक सोच नहीं रहा था, पर आई थिंक वो शायद वो 4-5 खिलाड़ियों ने सोच लिया था जीतेंगे। ये जीत ना बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पाकिस्तान को डेंजरस बनाती है। बांग्लादेश वाला मैच जो था वो फखर जमान ने जब जाके बैटिंग की थी तो मनोज ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैच जिताया था। हाँ। वो मैच उन्होंने नहीं जिताया था बट उन्होंने एक पारी खेल दी थी। आज जो उन्होंने बैटिंग की है ना, आज आई एम श्योर हर टीम ने बैठ के वो बैटिंग देखी होगी, सईद अनवर की याद आती है और तरीका भी देसी तरीके से उन्होंने ये नहीं कि मैंने एक छक्का मार दिया चलो नीचे, उन्होंने कहा एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, एंड इज टाइमिंग द बॉल सो वेल। प्लस उनको बड़े 100 बनाने का तजुर्बा है, 100 को बड़ा 100। मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे एज ऑफ टुडे चौथी टीम हैज टू बी पाकिस्तान। न्यूजीलैंड बिकॉज डिप कर रहा है, न्यूजीलैंड ही आएगा हो सकता है बट न्यूजीलैंड डिप कर रहा है एंड उनकी बॉलिंग आज मैंने देखी है, उनकी सोच मैंने आज देखी है, केन विलियमसन की कप्तानी देखी है। आई एम सॉरी यार, कल तक तो हमें कुछ और लगता था, आज जब प्रेशर पड़ा है ना तो केन विलियमसन की कप्तानी भी दिखी। आप बताइए, आपको मालूम है कि बरसात है, बरसात आ गई आ गई आ गई आ गई, आपको बरसात एकदम थोड़ी गिरती है, इन द एयर होती है ना, हमें टीवी पता चल रहा है कि एक आधा ओवर रह गया, उन्होंने ईस्ट सोडी से बॉल करा दिया और 20 रन खा गया। पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया था ये मैच 41 तक नहीं जाएगा। अगर वो 41 के लिहाज से खेलते ना मनोज तो वो आके कोशिश करते यार हमारी विकेट ना गिरे, बट आई थिंक जिसकी भी वो सोच थी ड्रेसिंग रूम में या इन दोनों की, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये मैच मैक्सिमम 20-25 मिनट का है, उतने में ही उन्होंने खत्म कर दिया। और दीपक भाई जो पूरा सिनेरियो अभी बना हुआ है उसमें यही है कि इवन बट ये है कि मामला तब फंसेगा अगर न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका की गेम है पूरी हो जाए तो नेट रन रेट पर अभी भी फासला है। जो इक्वेशन आई है शायद वो ऐसे कि अगर न्यूजीलैंड सिर्फ एक रन से भी जीतता है तब भी शायद पाकिस्तान को 130 रन टाइप से जीतना है और रन चेज में भी उनको बड़ा वहां पर मार्जिन चाहिए। इक्वेशन वही देख रहा था कि ठीक है 51 रन से अगर न्यूजीलैंड जीत जाएगा तो फिर उसमें 180 टाइप हो जाएगा और एक रन से कुल मिलाकर यह है कि भाई श्रीलंका के ऊपर आश्रित है अभी आपकी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की, श्रीलंका वो मैच हरा दे न्यूजीलैंड को। हाँ। बीच में पॉइंट्स टैली दिखा देना दोस्तों। अफगानिस्तान क्या करता है ना वो भी बहुत बड़ी एक उम्मीद है पाकिस्तान की। अगर अफगानिस्तान को आप देखोगे 7 में से 4 मैच इनके इनसे पॉइंट्स बराबर है बट इनका मैच कम है सर, पर इनके मैच कम है लेकिन इनका फिर साउथ अफ्रीका और उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो दो बड़ी टीमों से अफगानिस्तान खेलेगा जबकि पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड से और इंग्लैंड का मैच है 11 को। एक हफ्ते पाकिस्तान बैठेगा सर अपने होटल में और देखेगा बाकी वर्ल्ड कप चल कैसे रहा है और उस दौरान इनको खुशी भी मिल सकती है। क्या पता ये अपना 11 तारीख को मैच खेल रहे हो उससे पहले आपका अफगानिस्तान थ्रू कर जाए। भाई अफगानिस्तान क्यों नहीं जीत सकता, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान 2 मैच जीत जाए तो 6 पे पहुंच जाएगा। यहां से 6 जीत पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पहुंच सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो चलो है ही है, अफगानिस्तान पहुंच सकता है बस। पाकिस्तान मैक्सिमम 5 जीत पे जा सकता है, न्यूजीलैंड मैक्सिमम 5 जीत पे जा सकता है। आपने बताया कि कितने रन का है दोनों के नेट रन रेट का, अगर अभी एज ऑफ नाउ जो है अगर एक रन से भी जीती न्यूजीलैंड, अगर वो सिर्फ एक रन से भी जीत रही न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान को 130 रन का मार्जिन चाहिए। हाँ, मैं एक बार 130 रन का मार्जिन चाहिए क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि वो लास्ट गेम है ना तो आपका रन और विकेट्स वाला रेशियो जो आप निकालोगे और भी 50 रन से जीता बस एक सेकंड तो 50 रन से अगर न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान को 180 रन से जीतना पड़ेगा और न्यूजीलैंड एक रन से भी जीता अगर उस मुकाबले में तो पाकिस्तान को 131 रन से। अब यहां से यह है कि चेज करने का भी फिर वही होगा और चेज करने में फिर ऐसा होगा
जीत जाएगी तो पाकिस्तान सिंपल ये है कि पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान एक मैच हार जाए, लेकिन अगर टाई होता है, टाई का मतलब कि पॉइंट्स पर टाइड हो आप, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो पाकिस्तान इंग्लैंड को कैसे हराए 130 रनों से, वहां पर 130 रन चाहिए अगर वो एक रन से भी जीतते हैं। पर कैसे बढ़ गए इतना, क्योंकि वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आज आ गया ना, अब लास्ट गेम बची है, अब आप रन पर विकेट वाला जो रेशो है कवर करोगे अगर कि नौ मैचों का लोगे ना, डालता हूं बारिश का वो बताता हूं, जैसे आज बारिश ने काम बिगाड़ा कहीं ना कहीं, और जो के जो न्यूजीलैंड जिस तरह से आया अपना भी उन्होंने बेड़ा गर्क भी किया, खैर ये बात अलग है, और फकर जमान ने बहुत अलग आला दर्जे की बैटिंग की, बट एक ये भी होगा कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है उसमें भी बारिश के चांसेस, और दिन की गेम है, दिन की गेम है, अगर उसमें भी बारिश होती है तो एक पॉइंट मतलब मान लो कि वो मैच नहीं भी हो पाता है, नौ पॉइंट जो उस दिन बारिश के चांसेस न्यूजीलैंड और श्रीलंका तो एक एक पॉइंट वो शेयर करते हैं, तब वहां पे सिर्फ पाकिस्तान को जीतना है, सिर्फ इक्वेशन ही होगी इंग्लैंड से जीतना, ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड आखिरी मैच खेल रहा क्या, इंग्लैंड क्या इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान में होनी है उनकी मेहमान नवाजी है, खातिरदारी कैसे करती है उस दिन। देखिए 130 रन का जो फासला है ना वो थोड़ा सा पाकिस्तान को हर्ट कर सकता है, बट पाकिस्तान के लिए राहत की बात ये है कि वो खेल रहे हैं लास्ट, वो 11 तारीख को अपना मैच खेल रहे हैं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड 9 तारीख को है। भाई अगर बरसात हो गई, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच इक्वल हो गया एक एक पॉइंट, तो 200% पाकिस्तान ने इंग्लैंड को चप्पू लगा देना लास्ट मैच, 200%। बट अगर न्यूजीलैंड जीत गया श्रीलंका से, फिर मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड जो है इट विल स्नीक थ्रू, अनफॉर्चुनेट होगा बिकॉज न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट नहीं खेली बाद में। अब वही है कि न्यूजीलैंड का शायद पिछले टीम में जो वर्ल्ड कप था 19 वाला उसमें भी ऐसे हुआ था, लास्ट में गिर पड़ के पहुंचे और फिर वहां से सेमीफाइनल उन्होंने इंडिया को कन्विंसिंगली हरा दिया, जो शायद आप पाकिस्तान के लिए बोलो T20 वर्ल्ड कप में कि समहाउ सेमीफाइनल पहुंचे, वहां पर वन साइडेड मार दिया तो वहां से वो निकल आए। धीरे धीरे जैसे कहा कि भाई पहले न्यूजीलैंड फिर अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान, आई थिंक हर कोई ज्यादातर लोग इसी हिसाब से, पर मैं कह रहा हूँ कि यार अफगानिस्तान मैं ऊपर इस टाइम पे रखूंगा जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा अफगानिस्तान। अच्छा आई एम श्योर बहुत से सवाल आ रहे होंगे क्योंकि मैंने यही बोला था कि आप लोग भी अपनी राय रखें, क्या वाकई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है। उसके लिए पहले तो सबसे जरूरी ये होगा कि इंडिया कल अपना मैच जीते ताकि वन, इंडिया अगर कल मैच जीतेगा तो ही वन बन ही रहना है, फिर इंडिया वन है, फिर मतलब इंडिया वन से हिलेगा नहीं। फिर वो चार जो होगा जो भी इन तीनों में से कोई आता है अफगानिस्तान पाकिस्तान न्यूजीलैंड उसके साथ इंडिया का मैच होगा। तो भाई अगर आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोडिंग सेमीफाइनल, तो भाई बताइए अपनी राय रखिए, और साथ ही दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, एंड क्या करना है तो दोस्तों जैसा का आपने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना, विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है अगर पाकिस्तान अपना अगला मैच न्यूजीलैंड से जीते। अगर पाकिस्तान पहले टॉप फोर में जाना चाहता है तो न्यूजीलैंड को एक मैच हारना होगा और साथ ही साथ अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से हराना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।